अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को अपने देश को लेके, अपने इंडिया को लेके। और आजकल की जो जिस तरीके से सोच चल रही है, पब्लिक जो सोच रही है, सबके दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है, उस चीज़ को लेके मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं। हो सकता है कि कोई स्टार्टिंग की कोई बात मेरी आपको अच्छी नहीं लगे, तो कोई बीच की बात अच्छी लगे, कोई एंड की बात अच्छी लगे। इतने मिनट में बात में शायद कोई एक पॉइंट हो जो आपके दिल को छू जाए। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आज थोड़ा टाइम निकाल के, 15 अगस्त है, देश के बारे में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को पूरा देखना, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा हो जाए और अपने हिंदुस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। बस इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो प्लीज़ 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 मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। जैसे आजकल के बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें चालू है और बहुत बेकार सिचुएशन है आज का। ये हम जब स्कूल में थे तब हमको ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मालूम था, ना हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नहीं था। हमेशा से ऐसा हाथ रखते थे हम, ऐसा सामने राइट हैंड रखते थे और सब ये चीज़ बोलते थे। हिंदी में हम लोग जब पढ़ते थे कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ये सब बोलते, जनगणमन हमेशा पढ़ते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब भाई भाई ये करके, ये सारी चीज़ें स्कूल में प्रेयर में भी कसम खा के इस तरीके से हाथ रख के कसम खा के पढ़ते हैं। और बड़े होने के बाद जो बचपन में उन्होंने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जो प्रेयर में वो बोले रहते हैं, 15 साल ग्रेजुएशन तक पढ़ाई अगर होती है तो 15 साल तक जो इंसान ये सारी चीज़ें कसम खाता है, वो जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होता है धीरे धीरे ऐसे माहौल में आ जाता है, ऐसे समाज के इसमें आ जाता है कि वो भी इसके खिलाफ़ हो जाता है। मेरे दोस्त है राजेश, सुनील, देवी शंकर, दयानंद, प्रशांत, जीतू, बहुत सारे दोस्त था। और मेरा एक दोस्त था मुनीर, शमीम, तनवीर, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे। तो हमारे बीच में कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम कभी नहीं आया था, लेकिन आज का माहौल देखो पूरा चेंज हो गया है। वही बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, 18 साल 19 साल कंप्लीट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर उन वो भी आ जाता है, ये समाज के इसमें आके वो भी ये सारी चीज़ें अपनाने लगते हैं। तो ये कितना गंदा तरीका हो गया है। देखिए स्कूल में अलग चीज़ सिखाया जाता है, 15 साल तक एक चीज़ का रट्टा मारते हैं रोज़ प्रेयर में, और उसके बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म कॉलेज ख़त्म होता है वैसे हिंदू मुस्लिम के लफड़ों में आके फंस जाते हैं ऐसे। तो ये कितना गलत तरीका है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़। कम से कम इंसान इतना सोचो, दूसरे के बहकावे में मत आओ, दूसरे के बह देखो, अच्छे इंसान हिंदू में भी है, असली इंसान अच्छे इंसान मुस्लिम में भी है, बुरे इंसान हिंदू में भी है, बुरे इंसान मुस्लिम में भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा समाज ही खराब है, पूरे का पूरा समाज ही खराब है, ये चीज़ तो नहीं हो सकता। तो एक्चुअली समझदार आप भी बनना चाहिए, क्योंकि आप पहले के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी देखो उनके अंदर कितनी समझदारी थी पहले के लोग। आज के लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके अंदर ये चीज़ समझदारी नहीं है और हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ते, भड़काने वाले भड़का के चले जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये भड़काने का, जो भी भड़काने वाले लोग रहते हैं, सबसे पहला जो लीडर होते हैं ना, लीडर के घर पे होना चाहिए। जैसा किसी लीडर ने हिंदू के खिलाफ बोला है तो पहले उस लीडर पे हमला करो जाके, एक्चुअली हमला करो करके मतलब ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि जैसा अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने वाले दो लीडर है, कि हिंदू का लीडर है, एक मुस्लिम का लीडर है, तो आप यहाँ वहाँ जाके मत दंगा करो, जो लीडर है उसके घर के सामने जाके तोड़ो फोड़ो करो, उसके घर को जाके तोड़ो फोड़ो, फिर देखना हिंदू मुस्लिम का ये जो दंगा फैलाने वाले रहते ना, ये सब शांत हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का दंगा ये जो फैलाने वाले लोग रहते हैं ना, जब तक इनके घर पे अगर कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता ना, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
आते, भाषण देते, भड़काते ग्राउंड पे, गली में, इधर उधर भड़का के चले जाते। दंगे कहाँ होते? हमारे गली में। दंगे कहाँ होते हैं? हमारे मैदान में। दंगे कहाँ होते हैं? हमारे रोड पे। नुकसान किसका होता है? हम लोग का होता है। तो जिस दिन ये जो भड़काव भाषण देने वाले लोग हैं ना, इनके घर पे जिस दिन अगर ये सब दंगों के हमले हुए ना, इस लीडर ने अगर हिंदू के खिलाफ अगर भाषण दिया है, हिंदू के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम दोनों जन मिलो और जाके उसके घर पे हमला करो। अगर किसी ने मुस्लिम के खिलाफ अगर किसी ने भाषण दिया है तो हिंदू मुस्लिम मिलो और उसके घर पे जाके हमला करो। किसी के जान पे हमला करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। घर वाले को सबको बाहर निकालो, खाली उसका घर तोड़ो। कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा वो? प्रॉपर्टी बना रहे जाओ फिर तोड़ो, प्रॉपर्टी बना रहे जाओ फिर तोड़ो, फिर देखना सुधर जाएंगे। ये जितने भी भड़काने भाषण देने वाले जो भी हिंदू या मुस्लिम जो भी नेता है, मैं कोई एक का सपोर्ट लेके नहीं बोलता हूँ, लेकिन जितने भी है ना सब सुधर जाएंगे, ये 100% गारंटी देता हूँ मैं। कहाँ प्रॉपर्टी है? वहाँ जाके रह रहा है कोई दूसरी प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी भी तोड़ो। लेकिन ये जो आम पब्लिक होती है हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के, ये भाईचारा अपना के अगर दोनों साथ दे के अगर चलेंगे ना भाई, तो ये सारे भड़काने वाले भाषण देने वाले ना सब ख़त्म हो जाएंगे। इनके मन में डर आएगा कि मैं अगर इस तरीके का भाषण दूंगा तो मेरा घर टूटेगा, मेरे प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। जान को नुकसान नहीं देना है किसके, प्रॉपर्टी को नुकसान देना है, तो मेरे प्रॉपर्टी पे नुकसान होगा, तब जाके वो कुछ बोलने से डरेगा किसी के खिलाफ और फिर भड़काऊ भाषण देना छोड़ देगा। याद रखना मेरी ये बात कि कभी भी दंगा होता है ना, हम लोग का ही नुकसान होता है, हम लोग का, हमारे जैसे आम इंसान। तो जिस दिन ये सब चीज़ें चालू हो जाएगी ना, उस दिन उनके इधर नुकसान होगा तो उनको समझ में आएगा कि मेरा नुकसान हो रहा है। अभी वो भाषण दे रहा है, भड़का रहा है, फ़ायदा उसका हो रहा है, इसके लिए उन लोग को करने को मज़ा आ रहा है। और जिस दिन उनका नुकसान होगा तब उनको मज़ा नहीं, उनको सज़ा आएगा कि मेरा नुकसान हो रहा है करके। तो आप लोग को भी जागने की बहुत ज़रूरी है, किसी के बहकावे में आके, किसी के भड़काव भाषण में आके किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना बस याद रखो। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी कौम को लेके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुसलमान कौम को लेके ही ज़्यादा हो रहा है, या हर किसी के साथ अत्याचार होता है, हर किसी के साथ, हिंदू के साथ हो रहा है तो मुस्लिम के साथ भी होता है, मुस्लिम के साथ हो रहा है तो हिंदू के साथ भी होता है, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता है उसका तकलीफ क्या है। बाकी सब तो आ जाते हैं ऐसे तमाशा बनने के लिए और मुंह चलाने के लिए, बाकी उसका दर्द को संभालने के लिए कोई नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। और ये बात ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं, इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली बहुत पहले से मेरे अंदर ये फीलिंग थी, यूट्यूब चैनल बनाने के पहले, जब मैं बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सुन रहा था बहुत पहले। आज मेरे घर में न्यूज़ चैनल लगाना बंद हो गया है, हम लोग न्यूज़ चैनल लगाते ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं लगाते? जब देखो तब हिंदू मुस्लिम। अरे क्या है हिंदू मुस्लिम, इसके आगे की ज़िंदगी है कि नहीं है? आजकल तो ऐसा हो गया है, ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ में एंकरिंग करते हैं, इन लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है कोर्स की। पहले इसकी कोर्स होती थी, बात करने का तरीके का ट्रेनिंग देखते थे, उसके बाद जाके जॉब होता था। अभी तो डायरेक्ट खाली भड़काने वाला तुमको न्यूज़ देने आ गया, बस आप लोग आ गए न्यूज़ चैनल पे। अरे यार क्या चीज़ है भड़काने से, आज तुम लोग भड़का रहे हो, एंकर तक न्यूज़ चैनल के भड़का रहे, कुछ न्यूज़ चैनल क्या चीज़ चला रहे। कभी कोई अगर इंसान, सनकी इंसान मिल गया और तुम्हारे फैमिली पे ही उसने हमला कर दिया तो तुम लोग क्या करोगे? ये भड़काने वाली चीज़ें से इंसान भड़क के ही आएगा ना तुम्हारे ऊपर। अभी तुम मुसलमान के खिलाफ भड़कोगे, कोई मुसलमान ही सरफिरा आ गया और तुम्हारे फैमिली के ऊपर हमला कर दिया, किसी के जान को नुकसान हो गया, ख़त्म ही हो गया, तब क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारे भड़काव भाषण देने के वजह से कोई भड़क गया और तेरे तुम्हारे खिलाफ हो के आके तुम्हारे घर वालों पे उसने हमला कर दिया? किसी हिंदू के खिलाफ अगर कोई भाषण दे रहे हो, भड़काव भाषण, कोई हिंदू भड़क गया,
कोई हिंदू भाई भड़क गया आ गया, फिर वो तो मुसलमान के घर पे अगर उसने हमला कर दिया जिसने तुमने भड़काऊ भाषण दिए, तुम्हारे फैमिली पे ही किसी पे हमला कर दिया, उसकी जान चली गई, तो तुम क्या करोगे? तो भड़काऊ भाषण मत दो ना, जो रियल है, जो फैक्ट है, वो चीज़ें तुम्हारे सामने रखो। किसने मना किया है क्या तुम लोगों को? तुम लोग तो यार पैसा पैसा आज के डेट पर पैसा सब है। पैसा अगर हाथ में मिला तो तुम लोग चालू, यहाँ से पैसा आ रहा है तो इसके साथ बोलना है और इसके खिलाफ बोलना है, बस। क्या चीज़ हो, रियल चीज़ हो बताओ यार, आगे फ्यूचर क्या लेके जा रहे हो? तुम्हारे बाप दादा थे तब तुम्हारी फ्यूचर कैसी थी? आज तुम बाप दादा बने हो तो आज तुम्हारी फ्यूचर कैसी है? बाप बने हो, चलो दादा नहीं बने हो, तुम बाप बने हो, तुम्हारे बच्चे लोग के लिए फ्यूचर क्या दे रहे हो तुम लोग? वही चीज़ जो तुम आज कर रहे हो वही चीज़ तुम्हारे बच्चे और बढ़ाएंगे। कल को ऐसे दंगे दंगे में अपने ही घर का कोई खास आदमी, अपने ही दिल का टुकड़ा, अपने ही जिगर का टुकड़ा कोई अगर कुछ हो गया, उसको ख़त्म हो गया वो दंगे में, तो क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे कि तुम्हारे भड़काऊ भाषण की वजह से ये चीज़ हुआ है? आग भड़का भड़का के, भड़का भड़का के रखे 20 साल 25 साल अपना जॉब चलाए, तुमने भड़काऊ भाषण दे दे के ये नेता और एंकर और ये भड़काने सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। 20 साल 25 साल तुमने अपनी रोटी सेक ली, 20 साल 25 साल भड़काऊ भाषण दे दे के उसका नतीजा 20 साल के बाद ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर का ही कोई खास इंसान ख़त्म हो गया उस दंगे में। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे भड़काऊ भाषण देने से अच्छा है जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ करो आंदोलन। उनकी जो नुकसान तुम लोग अपना खुद का करा के लेते हो, अपने भाई को जख्मी कर देते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, अपने अपने भाई भाई की तुम लोग तकलीफ मारा मारी करके अपने अपने भाई लोग को तकलीफ देते हो, जो भड़काऊ भाषण देता है ना उनको तकलीफ देना चालू करो, ख़त्म हो जाएगा भड़काऊ भाषण। और किसी के धर्म को लेके, किसी के जात को लेके तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम कौन होते हो धर्म को और जात को लेके बोलने वाले? तुमने बनाया है क्या धर्म जात? तुमने नहीं बनाया ना। जो बनाए जो चलता आ रहा है तो चलता आ रहा है, प्रॉब्लम किस चीज़ से? हिंदू भगवान को मानते हैं मानने दो, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं मानने दो, कोई किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा जब तक तुम लोग नहीं भड़काओगे। भड़काऊ भाषण देने वाले जब तक तुम लोग नहीं भड़काओगे तब तक कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं भड़कने वाला है। अपने अपने जात धर्म को लेके चलने वाले सब, और किसी को किसी के जात धर्म से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क आप लोग पैदा करते हो बोल बोल के एक दूसरे को लड़ा के ना, आप लोग फ़र्क पैदा कराते हो। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं चला पाते, वो आते हैं तुम्हारे भड़कावे पे, भड़कावे में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, दूसरे की भी करते हैं। क्या मिलता है किसी के जात को लेके बोल के? हाँ, तुम अगर खड़े रह के अगर ऐसा बोलोगे अल्लाहू अकबर जय श्री राम ये सब चीज़ें बोलने से तुमको ऐसा लगता है कि तुमने वीडियो पे आके सब चीज़ें बोल दी और तुम हीरो बन गए? कुछ नहीं होता है उससे हीरोगिरी। हीरो बनना है तो अपने धर्म को आगे करो। मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, आस्था करो, ये सब चीज़ें बोलने से कुछ नहीं होता है। वहाँ पहले अपने घर वालों के सामने हीरो बनो, कमाओ विमाओ, अपनी फैमिली चलाओ, उसके बाद ऐसे रास्ते पे आओ और वो भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ आओ। अभी भी टाइम है यार, सुधर जाओ, ये सब चीज़ें मत करो। ये सब करके कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है ये सब चीज़ें करके। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मैं यूट्यूब पे कुछ है करके मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई ये चीज़ को लेके बोलता है, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, ना मैं हिंदू के खिलाफ बोला हूँ, ना मैंने मुसलमान के खिलाफ बोला हूँ। जो भड़काऊ भाषण देते हैं मैं उनके खिलाफ बोला हूँ। और जो चीज़ मैंने बोला हूँ ना, ये चीज़ अगर आप लोग करने लग गए ना, तो पक्का देखना पूरे इंडिया से अपने हिंदू मुस्लिम का दंगा ख़त्म हो जाएगा, पूरे इंडिया से। पहले की तरह जैसा भाईचारे में रहते थे ना, इंसान वैसे रहेगा, किसी को किसी के जात से कोई तकलीफ़ नहीं होगा।
तकलीफ पैदा कर रहे हैं भड़काऊ भाषण देने वाले। सबसे बेकार इंसान है भड़काऊ भाषण देने वाले। ना इनकी कोई जात है, ना इनका कोई धर्म है, इनका धर्म सिर्फ नफरत है। ये लोग नफरत फैलाते हैं। इसके लिए हाँ, किसी पे तकलीफ़ हुआ है तो तकलीफ़ बताओ कि इनको ये तकलीफ़ हुआ है, इनकी तकलीफ़ दूर करना है, ये सारी चीज़ें बताओ। गलत फहमी में गलत चीज़ें करके किसी ने तकलीफ़ दे दिया है, कोई हिंदू ने मुस्लिम को तकलीफ़ दे दिया है, कोई मुस्लिम ने हिंदू को तकलीफ़ दे दिया है, तो तकलीफ़ दूर करो, दोनों को सामने बिठा के बात करो। ऐसा नहीं होता तकलीफ़ देने वाला अलग जगह बैठा है, तकलीफ़ सहने वाला अलग जगह बैठा है और बीच में अलग ही लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एकदम गलत चीज़ है भाई, बहुत गलत चीज़ है। मैं तो दूसरे को नहीं बोलता, हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग जिसे तुम लगाओगे, अपना दिमाग जिसे तुम दौड़ाओगे ना, ये नेता वेता जो चीज़ें जो भाषण फैला, जो बुरे नेता उनके बारे में बोल रहा हूँ, ये भाषण जो फैलाने वाले हिंदू मुस्लिम करने वाले ना, सब शांत हो जाएंगे जिस दिन अपना दिमाग लगाओगे। सुनो एक लाइन तो बहुत अच्छी है भाई, सुनो सबकी करो दिल की, ये लाइन कितनी अच्छी है, लेकिन इसको कोई अपनाता नहीं है। सुनो सबकी करो दिल की, जिस दिन ये सुन कर लोगे ना भाई, उस दिन देखना तुम्हारी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और अपना इंडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए ख़ास करके मैंने ये चीज़ बनाया हूँ। सुबह सुबह स्कूल जाते थे हम, झंडा वंदन करते थे, ना हिंदू का तकलीफ़, ना मुस्लिम का तकलीफ़, ना हिंदू मुस्लिम भेदभाव कुछ नहीं था हमारे बीच में भाई। हम लोग जो जनगणमन गाते हैं, मेरे मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब, वो जनगणमन साथ में गाते थे, राष्ट्रगान साथ में होता था, राष्ट्रगीत साथ में होता था, प्रतिज्ञा स्कूल में साथ में लेते थे, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। या बस ये 3 लाइन भी अगर किसी ने स्टार्टिंग का प्रतिज्ञा का जिसने सुन लिया ना और उसे अपना लिया ना भाई, तो आगे की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बस स्कूल में 15 साल तुम लोग जो सीखते हो और उसे 2 साल में, आगे के 2 साल में आप लोग भुला देते हो, हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हो। अरे किसी की कुछ फिक्र मत करो भाई, किसी की कुछ फिक्र मत करो, सिर्फ अपने घर की फिक्र करो, बस इंडिया सुधर जाएगा। घर की फिक्र मतलब क्या, खाली खाना पीना नहीं, खाने पीना तो है ही, लेकिन सिर्फ खाने पीने की तकलीफ नहीं, रहना खाना पीना, घर से बाहर निकल रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन, निकल रहे हैं मेरी बहन, निकल रही है मेरी माँ, निकल रही है मेरी भाभी, निकल रही है मेरी चाची, निकल रही है बाहर बाजार लेने, वो सेफ आते हैं कि नहीं घर पे, कैसा माहौल रहेगा तो सेफ आएंगे घर पे, बस इतना सोच लो। बस इतना तुमने सोच लिया ना भाई, बस अपना इंडिया चेंज हो जाएगा भाई, इंडिया चेंज हो जाएगा। और सबके अंदर ये बात आनी चाहिए, ये सिर्फ हिंदू भाई के लिए नहीं, मुसलमान भाई के लिए नहीं है, सबके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके इंडिया सुधरेगा। और जो तुम्हारे नज़र के सामने गलत करते हैं ना भाई, उसको लो, बोलते हैं ना कोई कुछ किया तो, गड़बड़ किया तो लेता हूँ अभी आटे में इसको, तो ऐसे इंसान को आटे में लो, आटे में मतलब अपने फंदे में लो, फिर बात करो। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोल के गया तो रुक ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा लेता हूँ उसको आटे में, अरे ऐसे इंसान को आटे में लो भाई, देश आगे बढ़ेगा, अपने बच्चे तक आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर एकदम, इंडिया एकदम सेफ में चलेगा, सेफ। देखो चोर चमार तो आते रहते हैं, चोर चमार मतलब जो चोर है उनके लिए बोल रहा हूँ, जैसा चोरी कर लिए, किसी के घर में डाका डाल लिए, वो तो भाईचारा रहने के बावजूद ये सारी चीज़ें होगी, तो वो चीज़ को भी रोको, अपने को मालूम पड़ रहा है ना कोई चीज़ है करके, उसको भी रोको। लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, पूरा क्राइम तो 100% क्राइम तो कहीं से भी नहीं ख़त्म होने वाला है, जब तक जन्नत है जहन्नुम है, स्वर्ग है नर्क है, तब तक बनाने वाले ने जब दुनिया बनाया ना, उसने पहले ही ये 2 चीज़ रख दिया, क्यों, उसको मालूम है नीचे क्या क्या चीज़ें होने वाली है ना, तो उसने ये चीज़ बना दिया है। क्राइम तो होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम का, जात धर्म का, इंसानियत का क्राइम नहीं होना चाहिए, ये सारी क्राइम बहुत बेकार है, माहौल बिगाड़ देगी, पूरा देश ख़राब कर देगी।
तो बस भाई वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, मैं 10-15 मिनट बोला था, 20 मिनट के करीब होने को आ गया है। तो बस इतना ही बात है भाई, सुन लेना दिल से बात है, आज 15 अगस्त है, आप सबको जय हिंद। और यही चीज़ है भाई, अपना देश है, अपने देश चलेगा अपना घर चलेगा, अपना घर चलेगा तो अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। बस यही एक बात मेरे को बोलना था फोन से आप सबसे, कि कोशिश करो कि दंगे होंगे नहीं हो भाई, बहुत बेकार है, माहौल पूरा ख़राब कर देता है, घर से बाहर निकलना मतलब बेकार हो जाता है। और ये सब भड़काव भाषण सुन सुन के दिमाग में वही चीज़ें घूमते रहती है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, जितना हो सकता है भाईचारे में रहिए, हिंदू मुस्लिम तो गलती से भी मत करिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हिंदू किसी का धर्म आके तुम्हारा ख़राब नहीं करता है भाई, और किसी का हिंदू का धर्म आके कोई मुसलमान ख़राब नहीं करता, कोई मुसलमान आके कोई हिंदू का धर्म ख़राब नहीं करता। और लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंसान ने गलती किया है ना, उस इंसान को पकड़ो, उस जात को उस धर्म को मत पकड़ो, उस इंसान को पकड़ो, उसको सजा दो, जब उसको सज़ा मिलेगी तब वो समझेगा, तब दूसरों के भी दिल में डर बैठेगा। ज़रूरी है, गल्फ कंट्री में देखिए क्या है, ऑन द स्पॉट सज़ा है, मतलब अलग ही कानून है और सज़ा भी वैसी है, लेकिन डर है ना उन लोग में, फिर वहाँ जब ये सारी चीज़ें बंद कराते तो बंद होता है ना, तो वो चीज़ ज़रूरी है, समझे, वो चीज़ ज़रूरी है। तो बस भाई ये वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अमल करने की भी कोशिश कीजिए इस बात को, एक छोटी सी बात मैंने बताया हूँ और ये बहुत दिल से मेरी बात निकली है, और ये खास करके आज 15 अगस्त है करके मेरा बोलने का मन किया। और मैं हमेशा वीडियो शाम को 5 बजे में अपलोड करता हूँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ये वीडियो जो है मेरा सुबह के टाइम में 8-9 बजे के करीब अपलोड करने वाला हूँ, ताकि सुबह सुबह सबको ये चीज़ मिले और कोशिश करें कि नया अपना एक देश बनाने की, देश वही है, सोच नया बनाने की, बस इतना ही है भाई और कुछ नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैं इंडिया से बाहर गया हूँ तो मेरे को बाहर का नहीं मालूम है, लेकिन मैं बचपन से यहाँ रुका हूँ तो मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, आई लव माई कंट्री, बस इतना ही है। और मेरे देश के फौजी भाई लोग, सबसे ज़्यादा मेरे देश के फौजी भाई लोग, फौजी भाई लोग इसलिए बोल रहा हूँ, एक रुपए का रिश्वत नहीं रहता है उन लोग का, एक रुपए का रिश्वत नहीं है, और ईमानदारी से उन लोग काम कर रहे, घर चलाने के लिए सैलरी मिल रही है, लेकिन उनका जज्बा देखिए, एक रुपए का रिश्वत नहीं है उनके जॉब में, मेहनत बहुत है और बहुत कड़क कानून है उनका, तो देखिए उन लोग कैसा मेहनत करते हैं, वो भाई लोग के लिए सल्यूट है भाई, किसी और के लिए नहीं है, छोड़ो, सिर्फ मिलिट्री भाई लोग के लिए सल्यूट है। ये 15 अगस्त अगर बन रहा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे सैनिक भाई लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे सैनिक भाई लोग के लिए, एक रुपये की बिना रिश्वत लिए काम कर, और जो भी बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से काम कर रहे उन सबको मेरा सल्यूट है भाई। बाकी तो बॉर्डर छोड़ के अगर अंदर घुसे तो कोई मुश्किल से कोई, मेरे को तो ऐसा लगता है कोई जल्दी मिलना भी मुश्किल है कि कोई बिना रिश्वत के काम कर रहा है। बस यही बात है भाई कि हमारे हिंदुस्तान की जो फौज है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा और हमेशा नंबर वन पे रहेगा। और अपने देश का और अपना ख्याल रखिए, अपना घर का ख्याल रखिए, बस यही बोलना चाहता हूँ भाई, और कुछ नहीं है। 15 अगस्त है, इंजॉय कीजिए, अपने देशभक्तों को याद कीजिए, अपनी देशभक्ति पैदा कीजिए अपने दिल में, बस यही चीज़ है। अल्लाह हाफिज़।